अभी एक बात तो ये तय हो चुकी है कि एसिड बुरा नहीं है। एसिड का तो काम है फूड का इमल्सिफिकेशन, फूड के डाइजेशन में एड करना, क्योंकि तभी उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सकता है। सो एसिड का बनना तो अच्छी बात है। तो ये एसिडिटी क्या दिक्कत है? तो एसिडिटी ये मिसमैच है आपके खाने के प्रोपोर्शन में और उस जूस के सिक्रीशन में। अब ऐसी स्थिति में एसिडिटी के क्या सिम्टम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम को एसिडिटी कैटेगरी में डालें या नहीं डालें। तो हम लोग जब यहाँ सेंटर पे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको एसिडिटी की दिक्कत हो रही है। तो मैं इसे दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटना चाहूंगा। पहली कैटेगरी वो जो सिम्टम्स लोगों को दिखाई देते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न, ऐसा चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, ऊपर गले की तरफ आता हुआ महसूस हो सकता है, पेन सा महसूस होता है। दूसरा ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है, गैस फील होती है। तीसरा हेडेक्स होना, आंखों में भारीपन रहना। चौथा इनडाइजेशन, कुछ लोग को तो इवन लूज मोशंस होते हैं अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इस बात को भी हम आगे जब हम प्रकृति परीक्षण करेंगे तो समझेंगे कि किस व्यक्ति को डायरिया होने का चांस है एसिडिटी की वजह से और किस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होने का चांस है एसिडिटी की वजह से। हाँ, एक और चीज, मुंह में खट्टा टेस्ट रहना, कड़वा टेस्ट बने रहना, सावर टेस्ट बट मुंह में बने रहता है जिन लोग को एसिडिटी की दिक्कत होती है। कुछ और सिम्टम्स हैं जो लोग को पता ही नहीं कि एसिडिटी की वजह से हो सकते हैं, जिनमें से एक है गम्स में पेन होना। मसूड़ों में होने वाला दर्द एसिडिटी की वजह से हो सकता है। आपके गम से होने वाली ब्लीडिंग, एक लो ग्रेड कॉन्टिन्यूसली मेंटेन होने वाली एसिडिटी की वजह से हो सकती है। काफ मसल्स में पेन होना, यानी कि पिंडली में दर्द होना, ये आपके एसिडिटी की वजह से हो सकता है। और सबसे कॉमन जो लोग जानते हैं जिस शब्द को, वो है माइग्रेन, आधे सर का दर्द। और उनको ये लगता है कि ये तो सर का दर्द है, हमें तो सर दर्द की दवाई खानी है, हम तो माइग्रेन का इलाज करना है, जबकि इसकी एक बड़ी वजह एसिडिटी होती है। सो एसिडिटी के कई ऐसे रूप हैं जो आप लोग जानते हैं, कई ऐसे जो आप नहीं जानते हैं। जिन लोगों को पाइल्स की दिक्कत है और उनको ये लगता है कि उनको एसिडिटी का दिक्कत नहीं है, ये एक चूक हो सकती है पाइल्स के ट्रीटमेंट में, कि आप एक्चुअल में एसिडिटी का इलाज ही ना कर रहे हो और आप सिर्फ पाइल्स के ट्रीटमेंट पर लगे हो। क्योंकि पाइल्स में जो इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हुई है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, उस हीट के बढ़ने के पीछे स्टमक का सीक्रेटेड एसिड है जो कि इंटेस्टाइन में आता है और वहां पर उसको दिक्कत देता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पीछे एक वजह एसिडिटी हो सकती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खट्टी चीज गले से पीछे सटक ही नहीं पाते? नींबू जाता ही नहीं सर, नींबू पानी तो हम पी ही नहीं पाते सर। इमली खट्टी, अरे लेते एकदम गले में ऐसा जोर से पेन होता है कि लिया ही नहीं जाता। वो खट्टे फ्रूट, संतरा या कोई मौसमी ऐसी खट्टी आ गई, सर डाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो मतलब आई कांट ईट इट ओनली। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ खट्टी चीज ना गले से पार नहीं हो पाती हमारे? ये गले की दिक्कत नहीं है, ये एसिडिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि जो स्टमक में एसिड बनता है, ये एसिड स्टमक से ऊपर की तरह जो रिफ्लेक्स के तौर पे आता है, तो गले में जो 90 डिग्रीज बेंड बनता है यहाँ पे, उसमें जाके ये प्रॉब्लम देता है और उसकी वजह से आपका गला इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आप खट्टी चीजों को स्वॉलो ही नहीं कर पाते। सो ये भी एक एसिडिटी की वजह से होने वाला ही प्रॉब्लम है।